अउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम स्टूडेंट को सबसे पहले मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करूँगा कि आप तमाम स्टूडेंट से खैर वाफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमने आगाज़ की मैथ 212 डिग्री मैकेनिकल सेकंड ईयर के, जिसमें हमने कंप्लीट कर लिए लेक्चर जो हमने पिछला लेक्चर कंप्लीट किया था, उसमें हमने सवाल नंबर एक कंप्लीट कर लिया, ठीक है, और उसके अलावा सवाल नंबर तीसरा और सवाल नंबर पाँचवा हमने कंप्लीट कर लिया, इसके जो पहले दो लेक्चर थे, ठीक है, एक्सरसाइज 3.2 के। आज हमारे पास इसका सवाल नंबर दो का आगाज़ करेंगे इंशाल्लाह, इसको सवाल नंबर दो का हम कंप्लीट करेंगे। शुरू करने से पहले मेरा नाम आके महमूद है, मैं आपको मैथ 212 डी मैकेनिकल सेकेंडरी करा रहा हूँ, ठीक है। ये मैकेनिकल के अलावा सिविल टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी, केमिकल के भी साथ में मैथ है। अब ये छः फार्मूले मैंने लिखे हुए, कल भी मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको बताए थे कि ये छः फार्मूले, ये वाले एक्सरसाइज 3.2 के और छः फार्मूले 3.1 के, नहायत ही इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और बाकी दूसरे चीज़ों से भी। तो लिहाजा आपने क्या करना है, इन छः और छः दोनों को, यानी कि टोटल 12 फार्मूले बनते हैं आपके पास, इनको लाजमी याद कर लें, तब आपके आसानी के साथ चैप्टर नंबर 3 कम्प्लीट कर सकेंगे आप, ठीक है। शुरू करते हैं आज का हमारा सवाल, कैसे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और हम लेट वाई कर लिए कि लेट वाई बराबर है टेन एक्स डॉट साइन इनवर्स एक्स। इस वक्त हमारे पास दो रकमें आ रही हैं और दोनों की वैल्यूज़ अलग अलग हैं, ठीक है। तो जब हमारे पास दो वैल्यूज़ अलग अलग आती हैं और विद रिस्पेक्ट टू एक्स चल रहा हो, यानी कि एंगल हमारा एक्स चल रहा हो, तो उस सूरत में हम क्या करते हैं कि उस सूरत में हम बाय प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं, ठीक है। जब भी हमारे पास दो रकमें अलग अलग हों लेकिन एंगल देखें हमारे पास, अगर हमारे विद रिस्पेक्ट टू एक्स के हिसाब से एक्स एंगल आ रहा है, तो उस वक्त हम क्या लगाएंगे, बाई प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, ठीक है। और दूसरी बात कि जब भी आपके पास दो रकमें ब्रैकेट के फॉर्म में होगी, तो उस सूरत में भी हम क्या करेंगे, बाई प्रोडक्ट रूल ही अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं जी आज का हम लेक्चर। सबसे पहले हमने क्या किया, लेट वाई किया। दूसरा स्टेप क्या होता है हमारे पास, कि डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तीसरा स्टेप क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा डी बाई डी एक्स टेन एक्स डॉट साइन इनवर्स एक्स के बराबर, ठीक है। अब हमने यहाँ पर लगाना है ये प्रोडक्ट रूल, ठीक है। ये रकम को हमने कर लिया, ये हमारे पास ए के बराबर है और ये हमारे पास बी के बराबर है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले कर लेता हूँ जी अप्लाई। सबसे पहले क्या आ जाएगा, अब प्रोडक्ट रूल में आपके पास स्टूडेंट्स याद रख लें कि साइन आता है दरमियान में प्लस का, तो आपकी मर्ज़ी है कि आप ए की वैल्यूज पहले कर लें, बी की वैल्यूज बाद में कर लें, आपकी मर्ज़ी है कि आप बी की वैल्यूज पहले कर लें और ए की वैल्यूज आपको बाद में कर लें। तो हम क्या करेंगे, इसमें ए की वैल्यूज हम पहले कर लेते हैं, ठीक है। टेन एक्स ए डेरीवेटिव ऑफ बी, ठीक है, प्लस बी डेरीवेटिव ऑफ ए आ जाएगा, ठीक है। हमने क्या किया कि यहाँ पर हमने प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर दिया, तो डी वाई बी डी एक्स बराबर होगा टेन एक्स वैसे का वैसे आ जाएगा। अब डेरिवेटिव के साथ साइन इनवर्स लिखा हुआ है, तो साइन इनवर्स के फॉर्मूले के होते हैं वन बाई अंडर रूट वन माइनस एक्स का स्केयर, तो लिहाजा हमने क्या करना है, इसको कन्वर्ट कर लेना है वन माइनस एक्स के स्केयर के साथ, ठीक है। अब ये एक्स लिखा हो तो लिहाजा हमने एक्स का दोबारा डेरिवेटिव नहीं लेना, अगर यहाँ पर कुछ और रकम लिखी होती है एक्स के साथ या कुछ और लिखा होता तो हमने उसका अगेन डेरिवेटिव लेते, लेकिन अब जो सूरतयाल बनी है सिर्फ सिर्फ सिंपल एक्स है एंगल, तो लिहाजा हमने बस यहीं तक ही इसको हल करना है, मजीद इसको हल नहीं करना। साइन इनवर्स वैसे के वैसे आ जाएगा, साइन इनवर्स टेन का फार्मूला तो हमारे पास चैप्टर नंबर 3 में सेकेंड ईयर का फार्मूला है, ठीक है, जो हमने एक्सरसाइज 3.1 की थी। टेन का फार्मूला तो सेकेंड का स्क्वायर एक्स के बराबर, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या लिख लेंगे, सेकेंड का स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब इसके बाद डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो गया, इस टेन को उठा के वन के साथ मल्टीप्लाई करा लें, टेन एक्स हो जाएगा अंडर रूट वन माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और ये साइन इनवर्स एक्स दरमियान प्लस का साइन आ जाएगा डॉट सेकंड का स्केयर एक्स आ जाएगा, और स्टूडेंट्स यही हमारा आंसर है, ठीक है। उम्मीद करूंगा कि आपको मेरे इस पार्ट की समझ आ गई होगी जी स्टूडेंट्स। अब हमारे पास सवाल नंबर दूसरे का सेकंड पार्ट कहता है कि वाई बराबर, हम लेट वाई कर लिया टेन इनवर्स, ठीक है, एक्स माइनस वन बटा एक्स प्लस वन। अब जो एक्स है टेन इनवर्स जगह ये जो एक्स है, अब इस एक्स की हमारे पास जो नई वैल्यूज बन गई है वो क्या बन गई है, एक्स माइनस वन और एक्स प्लस वन, ठीक है। तो हमने फार्मूला अप्लाई कर लेना, सबसे पहले हम करते हैं जी स्टार्ट इसका, लेट वाई किया वो हमने, फिर इसके बाद क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, जिससे क्या हो जाएगा कि जिससे हो जाएगा डी वाई डी एक्स बराबर हो गया डी वाई डी एक्स टेन इनवर्स एक्स माइनस वन अवर एक्स प्लस वन, ठीक है। अब इसका फार्मूला हमारे पास होता है कि वन बाई वन प्लस एक्स का स्केयर, ठीक है। तो लिहाजा हमने क्या करना है, फार्मूला अप्लाई कर लेना, वन बाई
वन प्लस एक्स का स्क्वेयर, मतलब कि एक्स माइनस वन बटा एक्स प्लस वन का स्क्वेयर। अब ये सिंपल एक्स तो नहीं है ना, क्योंकि हमारे पास इस वक्त कंडीशन क्या बन रही है, एक्स माइनस वन बाई एक्स प्लस वन की। तो लिहाजा हमने इसका अगेन डेरिवेशन ले लेना, ठीक है, एक्स माइनस वन और एक्स प्लस वन का, ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो गया हमारे पास, इसके बराबर हो गया वन बाई वन प्लस, अब ये एक्स माइनस वन का होल का स्क्वेयर और x प्लस वन का होल का स्केयर, दोनों को हमने स्केयर स्केयर करके अलग अलग कर लेना, ठीक है। x माइनस वन का होल का स्केयर और x प्लस वन होल का स्केयर। अब यहाँ पर हमारे पास डिवाइड के फॉर्म में दो रकमें लिखी हैं, ठीक है। तो जब ये हमारे पास डिवाइड के फॉर्म में दो रकमें आती हैं, तो हम कौन सा रूल अप्लाई करते हैं, जी कोशेंट रूल अप्लाई करते हैं, ठीक है। कोशेंट रूल क्या होता है, सबसे पहले ये वाली रकम होती है हमारे पास ए और नीचे वाली रकम होती है हमारे पास बी। अब हम कोशेंट रूल अप्लाई करेंगे, सबसे पहले बी की वाली से आ जाएगी बी, ठीक है, डेरीवेटिव ए माइनस फार्मूले का, ठीक है, फिर इसके बाद बी, फिर डेरिवेटिव, अब क्या आ जाएगा ए डेरिवेटिव ऑफ, फिर आगे जा बी आ गया, ठीक है, अवर बी का क्या हो जाएगा स्क्वेयर। क्वेश्चन रूल में जो डिवाइड के फॉर्म में होता है नीचे लिखी है उसका हम क्या कर लेते हैं, स्क्वेयर बना लेते हैं, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो गया वन बाई, अब हमने ना इस हिस्से का ले लेना एलसीएम, इस पूरी रकम को उठा के इसके साथ मल्टीप्लाई कराएं तो क्या बन जाएगी, एक्स प्लस वन होल का स्क्वेयर प्लस, अब इसी को जाकर जब ऊपर मल्टीप्लाई कराएंगे तो कैंसिल हो जाएगी, तो लिहाजा सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाली रकम बच जाएगी, यानी कि एक्स माइनस वन का स्क्वेयर अवर एक्स प्लस वन का होल का स्क्वेयर बच गया, ठीक है। अगेन मैं समझाता हूँ इस एलसीएम को कैसे लिया हमने, इसको किया लेट वाई नीचे लिखा हुआ, लेट वन क्या लिखा हुआ नीचे, क्या इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कराया, इसको उठा के इसके साथ मल्टीप्लाई करा लिया, अब इसको उठा के इसके साथ मल्टीप्लाई करा लिया, ठीक है स्टूडेंट्स। उम्मीद करूंगा इसको स्टेप की समझ आ गई होगी। यहाँ से हमारे पास एक x प्लस वन बच गया, ठीक है। अब ये देखें इसके साथ जो अप्लाई करेंगे तो dx एक्स पर डी एक्स वन के बराबर, ठीक है, चलें अप्लाई करा लेते हैं आपके लिए हम, ठीक है। सबसे पहले x के साथ भी और फिर हमने अप्लाई किया वन के साथ माइनस, अब सेम टू सेम ये x माइनस वन वैसे के वैसे आ जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह हमने अप्लाई किया सबसे पहले एक्स के साथ प्लस और फिर अप्लाई कर लिया वन के साथ, ठीक हो गया, अवर बी का स्क्वेयर हो जाएगा वन एक्स प्लस वन होल का स्क्वेयर आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसके बाद ये वाली रकम और ये वाली रकम आपस से हम कैंसिल कर देंगे, किस तरह, ये वाली जब रकम ऊपर जाएगी तो ये ऊपर जाएगी मल्टीप्लाई के फॉर्म में, ये डिवाइड के फॉर्म में, दोनों की रकमें सेम हैं, तो हमने क्या किया नीचे से इसको कैंसिल कर दिया, ठीक हो गया। अब ये हो गया हमारे पास वन के बराबर, पहली बात, ये हो गया हमारे पास ज़ीरो के बराबर, ये हो गया वन के बराबर, ये हो गया ज़ीरो के बराबर, ठीक है। यानी कि बिना एक्स के जो भी रकम लिखी होगी, अब उसमें हमने चेक करना कि हमारे पास अल्फ़ाबेट आ रहा है, अल्फ़ाबेट कौन सा हमारे पास, ये ए से लेकर एक्स वाई जेड के अलावा, अगर वो विद रिस्पेक्ट टू एक्स के अलावा की और रकम आ रही है, लेट्स सपोज के यहाँ पर हमारे पास कॉन्स्टेंट है, ठीक है, इसकी जगह पर हमारे पास सिंपल ए लिखा हुआ है, तो इस ए का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर ज़ीरो हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हमने विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेकर चलना है, अगर यहाँ पर एक्स होता जिस तरह यहाँ पर एक्स था तो ये हमारे पास क्या बनता, वन बन जाता, लेकिन यहाँ पर अब यहाँ पर क्या आ रहा है, वन आ रहा है ऑलरेडी, तो इसमें हमारे पास क्या है कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट क्या होता है ज़ीरो के बराबर, तो लिहाजा ये क्या हो गया हमारे पास स्टेप ज़ीरो के बराबर हो गया, ठीक है। तो डी बाई डी एक्स बराबर हो गया वन बाय, अब इसको होल का स्केयर ओपन कर लेते हैं, ए का स्केयर प्लस ए का स्केयर हो जाएगा प्लस बी का स्केयर प्लस टू ए बी, ये एक्स प्लस वन को स्केयर का फॉर्मूला अप्लाई कर लिया, प्लस ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर माइनस टू ए बी, या हमने क्या उनसे फॉर्मूला अप्लाई किया, जो माइनस का फॉर्मूला अप्लाई कर लिया, ठीक है। अब यहाँ से एक्स प्लस वन बच गया हमारे पास, इस माइनस को उठा के ना इस एक्स के साथ मल्टीप्लाई कराएं तो माइनस एक्स हो गया, इसको उठा के माइनस वन से मल्टीप्लाई कराएं तो माइनस माइनस प्लस वन हो गया, ठीक है। नीचे वाली रकम खत्म हो चुकी है, यहाँ से ये एक्स और ये एक्स कैंसिल हो गए, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो गया वन बाई, अब यहाँ से कैंसिल क्या हो रहा है जी, टू एक्स और टू एक्स कैंसिल हो गया हमारे पास, ठीक है, ये टू एक्स का स्केयर बच गया प्लस वन टू बच गया, और यहाँ से भी हमारे पास सिंपल टू बच गया, ठीक है। तो अब इसके बाद क्या करेंगे कि डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो गया, इन दोनों में से टू कॉमन ले लें, ऊपर आपके पास टू रह गया, इस टू को उठा के वन से मल्टीपल कराया तो टू रह गया, नीचे से टू कॉमन ले लें, एक्स का स्केयर प्लस वन बच गया, ठीक है। तो इस टू को भी उठा के टू से कैंसिल कर लें, हमारे क्या बच गया वन, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो गया हमारे पास वन बाई एक्स का स्केयर प्लस वन के, और स्टूडेंट्स यही हमारा
आंसर है। उम्मीद करूंगा कि आपको मेरे इस पार्ट की समझ आ गई होगी। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास सवाल नंबर दूसरे का तीसरा पार्ट कहता है कि वाई बराबर है टेन इनवर्स। अब ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा हुआ, सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स, ठीक है। अब टेन इनवर्स के जो फॉर्मूला लिखा हुआ ना, ये जो एक्स लिखा हुआ है, ये जो एक्स लिखा हुआ है, इस एक्स की जगह पर अब जो नई रकम आएगी, जो एंगल नया आएगा, वो कौन सा आ गया, सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स आ गया, ठीक है। तो लिहाजा जहाँ पर एक्स लिखा होगा वहाँ पर हमने क्या पुट कर लेना, सीकेंट एक्स और टेन एक्स। तो लेट वाई कर लिया हमने, इसके बाद क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा इक्वल टू डी ओवर डी एक्स टेन इनवर्स सेकेंड एक्स प्लस टेन एक्स, सेकेंड एक्स प्लस टेन एक्स, और ये बड़ी ब्रैकेट हमने क्लोज कर ली, ठीक है। अब इसके बाद सबसे पहले फार्मूला आ जाएगा, कौन सा जी, टेन इनवर्स का फार्मूला, वन बाय वन प्लस एक्स का स्क्वायर। तो वन बाय वन प्लस एक्स का स्क्वायर सम्राट के सेकेंड का और टेन का होल का स्क्वायर हो जाएगा, सेकेंड का और टेन का क्या हो जाएगा, होल का स्क्वायर हो जाएगा। और अगेन हमने, अब अगेन क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमारे पास इस वक्त टेन इनवर्स के साथ ब्रैकेट के फॉर्म में नई रकम आई है, सिंपल एक्स नहीं आया, इस वजह से करके हमने सेकेंड एक्स और टेन एक्स का अगेन डेरिवेशन ले लेना, ठीक है। अब डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो गया वन बाई, अब यहाँ पर आपके पास दो रकमें लिखी हैं, ए प्लस बी होल का स्क्वायर के फॉर्म में, ए प्लस बी होल के स्क्वायर के फॉर्म में। तो लिहाजा यहाँ पर हमने फार्मूला अप्लाई कर लेना, वन प्लस ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। जो स्क्वायर बनाएंगे ना, ये याद रखना स्टूडेंट्स कि ये स्क्वायर हमेशा साइड के बनते हैं। अगर होल का स्क्वायर बन रहा है तो ये साइड का स्क्वायर है, और अगर साइड का स्क्वायर बन रहा है तो ये होल का स्क्वायर है, ठीक है। प्लस टू ए और बी आ गया, ठीक है। अब ब्रैकेट ओपन कर लें, डेरिवेशन को दोनों के साथ अलग अलग करके अप्लाई करें, सबसे पहले सेकंड के साथ और फिर टेन के साथ, ठीक है। अब डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो गया वन बाय, अब हमें फार्मूला एक पढ़ा था हमने फर्स्ट ईयर में, क्या क्या फार्मूला था हमारे पास चैप्टर नंबर फाइव में, कि वन प्लस टेन का स्क्वायर एक्स बराबर होता है सेकंड के स्क्वायर एक्स के, ठीक है। किस तरह, ये वन लिखा हुआ है और ये टेन का स्क्वायर लिखा हुआ है, यानी कि इस वन को और इस टेन को किसके बराबर कर लिया, सेकंड के स्क्वायर एक्स के बराबर कर लिया, सेकंड का स्क्वायर एक्स प्लस, अब ये वाला सेकंड का स्क्वायर एक्स आ गया, ठीक है, सेकंड का स्क्वायर एक्स प्लस टू। अब ये सेकंड एक्स टेन एक्स सेम टू सेम वैसे का वैसे रह जाए, ठीक है, टू सेकंड एक्स टेन एक्स सेम टू सेम। अब सेकंड का फार्मूला क्या होता है डेरिवेशन में, हमारे पास चैप्टर नंबर थ्री में फार्मूला होता है डेरिवेशन में, सेकंड एक्स टेन एक्स, ठीक है। तो हम यहाँ पर फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं, सेकंड एक्स टेन एक्स प्लस टेन क्या होता है हमारे पास फार्मूला, सेकंड का स्क्वायर एक्स, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब इसके बाद क्या करना है कि डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो गया वन बाय, ये टू सेकंड का स्क्वायर एक्स हो जाएगा, टू सेकंड का स्क्वायर एक्स प्लस टू सेकंड एक्स और टेन एक्स, ठीक है। यहाँ से सेकंड एक्स प्लस सेकंड का स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ठीक है, प्लस सेकंड का स्क्वायर एक्स। अब ऊपर से भी आप और नीचे से भी आप क्या कर लें, कॉमन ले लें, किसको कॉमन ले लें आप, सेकंड को, ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो गया किसके बराबर हो गया, अब हमने कॉमन किसको लेना है, सेकंड को, ठीक है। अब सेकंड को कॉमन किस तरह लेंगे हम, सबसे पहले इन दोनों में से सेकंड एक्स कॉमन ले लें, तो इसके पास क्या बच गया, एक टेन बच चुका है प्लस और एक सेकंड बच गया, ठीक है, एक सेकंड बच गया, एक कॉमन चला गया हमारा, अवर यानी कि इस पूरी रकम को उठा के वहाँ से मल्टीपल कराया, वहाँ से हमने सेकंड एक्स कॉमन ले लिया और हमारे पास टेन एक्स प्लस सेकंड एक्स रह गया। अब इन दोनों में से आप टू कॉमन ले लें और इसके अलावा सेकंड कॉमन ले लें, सेकंड एक्स कॉमन ले लें, तो यहाँ पर क्या बच गया हमारे पास, एक सेकंड बच गया और एक हमारे पास टेन बच गया, जिससे क्या हुआ कि ये रकम और ये रकम आपस में कैंसिल होगी, ये और ये रकम आपस में कैंसिल होगी, यहाँ पर क्या बच गया वन। तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो गया हमारे पास वन के, और स्टूडेंट्स यही हमारा आंसर है, सॉरी वन बाई टू के, ठीक है, ये नीचे टू भी पहुँच रहे हैं। उम्मीद करूंगा कि आपको मेरे इस पार्ट की भी समझ आ गई ही होगी। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास इसका आज आखिरी पार्ट है, ठीक है, हमें अगले लेक्चर में इसका जो फोर्थ पार्ट होगा वो हम कंप्लीट करेंगे, वो काफ़ी लेंथी पार्ट है, ठीक है। तो इस वजह से करके हमने इसके पहले तीन पार्ट और इसके आखिरी पार्ट आज हमने कम्प्लीट कर लेना है, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसका जो लेंथी सवाल है फोर्थ पार्ट वो हम अगले
लेक्चर में कम्प्लीट करेंगे, ठीक है। तो क्या कहते हैं कि वाई हमने लेट कर लिया, वाई बराबर है एक्स का स्केयर सेकेंड इनवर्स फाइव एक्स, ठीक है। अब ये आपके पास ए हो गया और ये आपके पास बी हो गया, तो जब ये आपके पास ए डॉट बी बनता है तो मतलब कि कौन सी हमारे पास प्रोडक्ट रूल हमने अप्लाई करना होता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या करना है, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है, ठीक है। डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर लेते हैं, ठीक है, ये ख़त्म कर लेता हूँ मैं, आपको समझाने के लिए किया सारी कंडीशन। तो क्या बन जाएगी, डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो गया डी ए और डी एक्स, एक्स का स्केयर सेकेंड इनवर्स फाइव एक्स हो गया, ठीक है। अब हम अप्लाई करते हैं ये अपना प्रोडक्ट रूल, सबसे पहले ए फिर डेरिवेटिव ऑफ बी, ठीक है, प्लस बी डेरिवेटिव ऑफ ए आ जाएगा, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो गया, यहाँ से हमारे पास x का स्केयर सेम टू सेम। अब सेकेंड इनवर्स 5x है, सेकेंड के जहाँ पर x लिखा हुआ वहाँ पर अब हमने 5x पुट कर लेना, ठीक है। फार्मूला हम अप्लाई करते हैं, वन बाय x अंडर रूट x का स्केयर माइनस वन, ठीक है। और अगेन हम डेरिवेशन लेंगे किसका, अब 5x है ना, अकेले x तो नहीं लिखा हुआ, इस वजह से करके 5x का हमने दोबारा डेरिवेशन ले लिया, प्लस सेकेंड इनवर्स 5x प्लस सॉरी पावर रूल है, पावर शुरू में आ गई, ठीक है, पावर में से अपने कम कर दिया और फिर पावर के बगैर का डेरिवेशन ले ली, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो गया x का स्केयर बाय 5x अंडर रूट 5 का स्केयर 25, x का स्केयर बन गया माइनस वन, ये 5 का स्केयर 25 हो गया और ये x का स्केयर बन गया, ठीक है। यहाँ से हमारे पास सिंपल 5 बच गया, x के ऊपर हमने डेरिवेशन अप्लाई कर ली, ठीक है। इस 5 को उठा के शुरू में कर लिया और x के ऊपर हमने डेरिवेशन अप्लाई कर ली, प्लस सेकेंड इनवर्स 5x, यहाँ से हमारे पास 2x सिर्फ बच गया और ये हमारे पास 1 के बराबर हो गया, ठीक है। तो dy वाई बाई डी एक्स बराबर हो गया ये 1 के बराबर, इस 5 को उठा के एक्स के स्केयर से मल्टीप्लाई करा लें तो क्या हो जाएगा, 5x का स्केयर ओवर 5x अंडर रूट 25x का स्केयर माइनस 1 प्लस सेकेंड इनवर्स 5x, इस 2x को उठा के शुरू में कर लें, ये 2x शुरू में आ गया, ठीक है। तो इसके बाद अब आप क्या करें कि इसका स्केयर 1 से कैंसिल कर दें, 5 को 5 से कैंसिल कर दें, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर होगी हमारे पास एक्स बाई अंडर रूट 25x का स्केयर माइनस 1 प्लस, ठीक है, 2x सेकेंड का इनवर्स 5x होगी, और स्टूडेंट से ही हमारा आंसर है। उम्मीद करूंगा कि आपको मेरे इस पार्ट की भी समझ आ गई होगी। तो इसी के साथ आज के लेक्चर हुआ हमारा कंप्लीट, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हमने सवाल नंबर 2 का फोर्थ पार्ट कंप्लीट करना है, ठीक हो गया। तो तब तक के लिए जो मेरे चैनल पर नए हैं, सबसे पहले वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और अगर कोई मशवरा देना चाहता है, ठीक है, कि सर जी ये फ्लांस बॉल नहीं आया मुझे समझ, तो पर्सनल कॉन्टेक्ट कर ले, इंशाल्लाह मैं भरपूर कोशिश करूँगा कि आपको मज़ीद जो नया लेक्चर आपको अपलोड करूँ तो उससे अच्छा आपको प्रिपेयर करके अपलोड कर सकूँ। तो तब तक के लिए दुआ में याद रखिए, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।